نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. आज का मौजू है हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत। इस्लामी पहली तारीख है, साल की पहली शहादत का दिन है। आज अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतखाब रब्बिल आलमीन फातह बैतुल मुकद्दस वज़ीर पैगंबर खलीफे दुअम नाम व नस्बत। आपका नाम उमर है, कुनियत अबू हफ्स और लक़ब फारूक आज़म है। आपके वालिद का नाम कत्ताब और माँ का नाम हंतमा है। आठवीं पुश्त में आपका शिजरे नसब सरकारे दो आलम के खानदान शिजरे से जा मिलता है। आप वाकिये फील के 13 साल बाद पैदा हुए। हाकिम की रिवायत में इब्ने अब्बास से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दुआ फरमाई, यानि या अल्लाह खास तौर से उमर बिन खत्ताब को मुसलमान बनाकर इस्लाम को इज्जत वो कुवत अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब की ये दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो गई और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम से मुशर्रफ हो गए। फारूक आजम का लकब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या हम हक पर नहीं हैं? आपने फरमाया, बेशक हम हक पर हैं। इस पर मैंने अर्ज़ किया, फिर ये पोशीदगी और पर्दा क्यों? इसके बाद हम सब मुसलमान इस घर से 2 सफ़ें बनकर निकलें। एक सफ में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और दूसरे सफ में मैं था, और इसी तरह हम सब सफ़ों की शिकल में मस्जिद हराम में दाखिल हुए। कुफारे खुराइश ने जब मुझे और हमजा को मुसलमान के गिरोह के साथ देखा तो उनको बे इंतहा मलाल हुआ। इस रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को फारूक आजम का लकब अता फरमाया, इसलिए कि इस्लाम जाहिर हो गया और हक व बातिल के दरमियान फर्क वाज़े हो गया। इस्लाम की शान व शौकत में इजाफा। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि हजरत उमर का मुसलमान होना इस्लाम की फतह थी, इनकी हिजरत नुसरत इलाही थी और इनकी खिलाफत रहमत खुदावंदी थी। हम में से किसी की ये हिम्मत वो ताकत नहीं थी कि हम बैतुल्ला शरीफ के पास नमाज पढ़ सकें, मगर जब उमर मुसलमान हो गए तो उन्होंने मुशरिकीन से इस कदर जंग व जिदाल किया कि उन्होंने आजिज आकर मुसलमानों का पीछा छोड़ दिया, तो हम बैतुल्ला शरीफ के पास इत्मीनान से अलानिया नमाज पढ़ने लगे। इनके ईमान लाने के बाद लोगों को इस्लाम की तरफ खुल्लम खुल्ला बुलाया जाने लगा और हम बैतुल्ला शरीफ के पास मंजलिसें कायम करने, इसका अलानिया तवाफ करने, काफिरों से बदला लेने और इनका जवाब देने के काबिल हो गए। ग़ज़वात में शिरकत। हजरत इमाम नववी रहमतुल्ला फरमाते हैं कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम ग़ज़वात में शरीक रहे और आप वो बहादुर हैं कि ग़ज़वाए उहद में जबकि जंग का नक्शा बदल गया और मुसलमानों में अफरा तफरी पैदा हो गई, तो इस हालत में भी आप साबित कदम रहे। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत में बहुत सी हदीसें वारिद हैं। मिश्कात में तिर्मिजी शरीफ की हदीसें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानि अगर मेरे बाद
बाद नबी होते तो उमर होते। सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानि मैं बिला शुबा निगाह नबुवत से देख रहा हूँ कि जिन के शैतान भी और इंसान के शैतान भी दोनों उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खौफ से भाग जाते हैं। आपने फरमाया कि उमर मुझसे हैं और मैं उमर से हूँ, और उमर जिस जगह भी होते हैं हक इनके साथ होता है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उमर की ज़बान और कल्ब पर हक को जारी फरमा दिया। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी मामले में जो कुछ मशवरा देते थे, क़ुरान शरीफ की आयतें इसी के मुताबिक नाजिल होती थीं। सुभान अल्लाह। शान उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क्या कहने। उमर वो पहली शख्सियत के जिन्हें अमीरुल मोमिनीन से मौसूम किया गया। आप ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने तारीख सन हिजरी जारी किया। आप ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने नमाज तरावी पर उम्मत को जमा फरमाया। आप ही वो पहली शख्सियत जिन्होंने लोगों की हालत की खबर रखने के लिए रातों को गश्त किया। आप ही वो पहली शख्सियत जिन्होंने बेजा मजम्मत करने वालों पर हद जारी फरमाई। आप ही वो पहली शख्सियत जिन्होंने शराबी पर 80 कोड़े लगवाए। आप ही वो पहली शख्सियत जिन्होंने नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कहने का हुक्म दिया। आप ही वो पहली शख्सियत जिन्होंने दफातर कायम किए। आप ही वो पहली शख्सियत जिन्होंने सबसे ज़्यादा फतूहात हासिल किए। आप ही वो पहली शख्सियत जिन्होंने सदक़े का माल इस्लामी उमूर में खर्च करने से रोका। आप ही वो पहली शख्सियत जिन्होंने शहरों में खाजी मुकर्रर किए, वगैरह वगैरह। करामात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वैसे तो हज़रत उमर के बेशुमार करामात हैं। दरियाए नील जारी कर दिया। मिस्र के लोग हज़रत आमिर बिन अल आस के पास आए और कहा, ऐ हाकिम, हमारे इस दरियाए नील एक पुराना तरीक़ा चला आ रहा है कि जिसके बग़ैर वो जारी नहीं रहता बल्कि खुश्क हो जाता है। हज़रत आमिर बिन अल आस ने इन लोगों से दरियाफ़्त फरमाया कि इसको जारी रखने का क्या पुराना तरीक़ा है। इन लोगों ने अर्ज किया कि एक कुंवारी जवान लड़की को दरियाए नील में डाल देते हैं। आमिर बिन अल आस ने ये मामला देखा, एक खत लिखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सारे हालात से मुत्तला किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस खत के जवाब में इस खत के हमरा एक रुखा रवाना किए और कहा, ये दरियाए नील में डाल देना। जब वो रुखा आमिर बिन अल आस को पहुंचा तो आपने इसे खोलकर पढ़ा। इसमें लिखा हुआ था कि बंदे उमर अमीरुल मोमिनीन की तरफ से मिस्र के दरियाए नील को मालूम हो कि अगर तू बजाते खुद जारी होता है तो मत जारी हो, और अगर अल्लाह ताला तुझको जारी फरमाता है तो मैं अल्लाह वाहिद कहार से दुआ करता हूँ कि वो तुझे जारी फरमा दे। आमिर बिन अल आस ने उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस रुके को रात के वक्त दरियाए नील में डाल दिया। मिसर वाले जब सुबह को नींद से बेदार हुए तो देखा कि अल्लाह ताला ने उसको इस तरह जारी फरमाया है कि 16 हाथ पानी और चढ़ा हुआ है। फिर दरियाए नील इस तरह कभी नहीं सूखा, और मिस्र वालों की ये जाहिलाना रस्म हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ में
है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाहे इलाही में दुआ की कि या रब्बुल आलमीन मुझे अपनी राह में शहादत अता फरमा और अपने रसूल के शहर में मुझे मौत नसीब फरमा। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ इस तरह कबूल हुई कि मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मजूसी गुलाम अबू लूलू ने आपको कत्ल किया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए और इनका तरीक़ा था कि वो तकबीर तहरीमा से पहले फरमाया करते थे कि सफ़ें सीधी कर लो। ये सुनकर अबू लूला आपके बिल्कुल करीब सफ में आकर खड़ा हो गया और फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के खंदे और पहलू पर खंजर से दो वार किए जिससे आप गिर पड़े। इसके बाद इसने और नमाजियों पर हमला करके 13 आदमियों को ज़ख्मी कर दिया जिनमें से 6 अफराद का इंतकाल हो गया। इस वक्त जबकि वो लोगों को ज़ख्मी कर रहा था एक इराकी ने इसको कपड़ा डाल दिया और जब वो इस कपड़े में उलझ गया तो इसने इसी वक्त खुदकशी कर ली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपके मकान पर लाए 26 ज़िलहिज्जा 23 हिजरी बुध के दिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मी हुए और 3 दिन बाद 10 वर्ष 6 माह 4 दिन उमूर खिलाफत को अंजाम देकर 63 साल की उम्र में वफात पाई। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। अल्लाह ताला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नतुल फिरदौस के बुलंद दर्जे अता फरमाए और इनकी तरह हम सब को सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए। आमीन। सुभाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।